दोस्तों, ये दूसरा पार्ट है हमारे इस वीडियो का, और इस वीडियो ये जो वीडियो है ये आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, आपके बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, इसलिए इस वीडियो को मिस मत कीजिए। अभी जैसे आपने बताया कि आप आपके पास सिंगल एक्सल भी गाड़ी है कंटेनर। हाँ जी, हाँ जी। तो सिंगल एक्सल गाड़ी कितने पासिंग कितनी है इसकी? अभी जो नई पासिंग आई है सिंगल एक्सल में 8800 केजी आई है। 8800 केजी, 8800 केजी। हाँ जी, 8800 केजी। हाँ, ओके। तो जब आप ये परचेज किए थे गाड़ी, तो उस समय कितने का, ऑलमोस्ट कितने का पड़ा होगा ये, कि और किस कंपनी का आपने लिया है? मैंने आइसर की चेसिस उठवाई थी, तो उस टाइम पे आइसर का सिंगल एक्सल जो चेसिस था 50-16 12.5 लाख रुपए का था। ओके। और उसके बाद मैंने कंटेनर उसको बनवाया, 3.25 लाख रुपए का कंटेनर बना। अच्छा, बॉडी वगैरह जो उसका बॉडी बनाई है पेंट वेंट करके, और लगभग एक 80-90 हज़ार रुपये का पेपर का एक्सपेंस आता है। ओके। तो लगभग मान के चलिए एक गाड़ी जो आपको पड़ेगी 16-17 लाख के करीब पड़ेगी। ठीक है, सिंगल एक्सल ये है। तो इसका लोन का किस तरह से होता है, कि लोन किस तरह से क्या क्या करना पड़ता है उसके अंदर? लोन क्या-क्या देना के लिए होता है? आपकी कंपनी की प्रोफाइल होनी चाहिए, आपकी कंपनी का टर्नओवर होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। उस बेस पे जो फाइनेंस है, फाइनेंस कंपनियाँ हैं जैसे ICICI लोम्बार्ड, वो ICICI है, HDFC है, कोटक भी करती है, मोस्टली सारे बैंक भी लोन करते हैं। तो उसमें आपकी प्रोफाइल और आपकी कंपनी की प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, तो आपको 100% तक फंडिंग करेंगे। और जब आप 2-4 गाड़ियां बना लेंगे, उसके बाद आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक रहा, तो वो आपकी बॉडी पे भी फाइनेंस करते हैं। बॉडी जो बनता है उस पर भी 50% तक फाइनेंस कर देते हैं वो। ओके। तो आपका जैसे आपने 32 फुट सिंगल एक्सल लिया था, तो प्लानिंग क्या था लेने का? जैसे बहुत सारे हमारे इससे व्यूअर्स हैं जो बोलते हैं कि सर मैं ये गाड़ी लूँ क्या, तो वो क्या किस अगर चाहे लेने के लिए तो ऐसे ही ले सकते हैं, या उसके लिए कोई प्लानिंग वगैरह जरूरत पड़ता है, या कहाँ चलाना होता है ये वगैरह? नहीं, उसके लिए आपको प्लानिंग तो सोच के रखनी पड़ेगी कि अगर कोई भी है तो फाइनेंस कराएगा, तो एक उसका मोटा मोटा आपको एवरेज लगाना पड़ेगा कि मेरी जो ये है कि एक व्हीकल की EMI मेरी इतनी है, और उसके लिए हमें कहाँ से कितना फ्रेट मिलेगा, एक मोटा मोटा उसको रफली आइडिया लेना पड़ेगा कि हम यहाँ से यहाँ चलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का फ्रेट ये है, और वहाँ से आएगी तो उसका फ्रेट ये है। तो एक राउंड ट्रिप में उसकी सेविंग क्या आ रही है, ड्राइवर की सैलरी निकाल के, टोल्स निकाल के, डीजल का एवरेज निकाल के, और अपनी जो एक साल में पेपर्स आते हैं इंश्योरेंस और अपना ये परमिट वगैरह की जो कॉस्ट आती है, और जो आपके टायर्स वगैरह और मेंटेनेंस वगैरह का क्या खर्चा आता है, रफली एक उसको एक मंथली एक आइडिया लगा के फिर उसको क्या सेविंग आ रही है वो एक एवरेज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसके लिए बेसिकली आपको एक ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी खुद की बुकिंग हो तो ज़्यादा बेनिफिट है, आप खुद बुकिंग करते हैं तो थोड़ा सा मार्जिन्स भी बढ़ जाते हैं, तो खुद की बुकिंग है तो ज़्यादा बेनिफिट है, और दोनों तरफ से आपके पास टू एंड फ्रो दोनों तरफ के फ्रेट, मतलब आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जिस रूट पर आप चला रहे हो उसके लिए आपके पास टू एंड फ्रो दोनों तरफ का फ्रेट होना चाहिए, अप एंड डाउन दोनों तरफ का, आपकी गाड़ी जाए वहाँ खड़ी ना हो, वहाँ से आपको फ्रेट मिल जाए, और यहाँ जब आ जाए तो यहाँ से फिर वापस जाने के लिए भी आपको फ्रेट मिल जाए। तो अगर एक गाड़ी से 32 फुट सिंगल एक्सल की मैं बात करता हूँ, अगर एक दिन गाड़ी ये खड़ी रहती है तो कितना लॉस हो सकता है? एक दिन का जो आप रफली आइडिया लगाएंगे तो सिंगल एक्सल का एक दिन का जो खर्चा एक्सपेंस होता है, मतलब जो आपकी कॉस्टिंग आती है वो 2500 आती है। ओके, मतलब 2500 से 3000 रुपये तक का पर डे अगर गाड़ी आपकी डिटेन हो रही है खड़ी, तब भी वो आपका मतलब खर्चा है, डिटेंशन पे भी खर्चा है, आप डिटेन खड़ी है तो आपका 2500 से 3000 रुपये खर्चा आपका चल रहा है। ओके। ये जो कोस्टिंग है कहीं से भी जाती है गाड़ी 32 फुट सिंगल एक्सल की मैं बात करूँ, तो कोस्टिंग के कौन कौन से कोस्टिंग आता है इसके अंदर, किस किस तरह की कोस्टिंग आती है, और इसका जो पर किलोमीटर कोस्टिंग होता है नई गाड़ी का वो ऑलमोस्ट कितना होता है? नई गाड़ी की आप कोस्टिंग मान के चलिए कि आप 5 का एवरेज तो मान के चलिए डीजल का प्लस 1 से 1.5 रुपये पर किलोमीटर आपका टोल का खर्चा आएगा पर किलोमीटर का। ठीक है। और आपका रास्ते के भी एक्सपेंस होते हैं, रोड पे व्हीकल चलती है तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन होती हैं, बॉर्डर पास वगैरह आज मतलब BJP गवर्नमेंट में कम हुए पर ख़त्म नहीं हुए हैं। हाँ, अभी भी है। हाँ, जैसे बहुत सी स्टेट में ईस्ट के साइड चले जाए। हाँ, राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम लोग करते हैं, फेस करते हैं, यहाँ से हमारी गाड़ी अहमदाबाद जाती है
तो वहाँ पे वो किसी ना किसी चीज़ को लेके ड्राइवरों को डराते हैं, वहाँ के जो TI खड़े हैं कि हम ऐसे चालान, जबकि सारे पेपर हर चीज़ कंप्लीट करके रखते हैं, तो फिर भी कहते हैं कि नहीं नहीं हम इसका चालान काट देंगे, और वो कभी कभी काट भी देते हैं अगर वो ड्राइवर पैसा नहीं देता। अगर पूरे राजस्थान निकलने में 10 जगह TI मिल गया 10 डिस्ट्रिक्ट में, तो 10 डिस्ट्रिक्ट में भी उसको पैसे देने पड़ते हैं, तो वो भी एक कॉस्टिंग आती है। तो वो भी आप 1 रुपये पर किलोमीटर पकड़ के चलिए वो कॉस्टिंग आती है, तो ये कॉस्टिंग आती है वहाँ जाने की। बाकी ड्राइवर का जो है खाने का खर्चा और सैलरी वगैरह आप मान के चलिए 2 रुपये के करीब आपका पड़ेगा जाके। ओके, पर किलोमीटर। तो ऑलमोस्ट मतलब कि कितना पड़ जाएगा ये पर किलोमीटर? पर किलोमीटर जो हमारा एक्सपेंस आता है वो 20-21 के करीब आता है, ईस्ट वेस्ट के लिए, नॉर्थ से वेस्ट। हाँ, नॉर्थ के वेस्ट के लिए। ओके ओके, तो इसको कभी आप पुरानी गाड़ी की मैं बात करूँ, ये तो नई गाड़ी हो गई जो कि 20-21 रुपये के राउंड में, अगर पुरानी गाड़ी हो ये तो कितना खर्चा आ सकता है? पुरानी गाड़ी में मेंटेनेंस वगैरह ज़्यादा मांगने लगती हैं गाड़ियाँ, तो उसमें थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, पर चलती उसी रूट उसी पे ही है, वो आपको अपनी पॉकेट से ही बियर करने पड़ते हैं, टायर आपको नए डलवाने पड़ेंगे उस टाइम पे पुरानी हो गई, हो सकता कुछ इंजन में भी काम मांगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा बढ़ा देती हैं खर्चा, पर वो आपका जो रूट पे चलने का खर्चा वो वही है, मेंटेनेंस और वो सारी कॉस्टें बढ़ जाती हैं। ओके, पर रूट का खर्चा लगभग वही रहता है, क्योंकि उसमें टोल भी वही लगने हैं, सारी चीज़ें वही, ड्राइवर की कॉस्टिंग भी वही आनी है, डीजल का लगभग लगभग एवरेज भी वही रहता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है पुरानी गाड़ी। अभी जैसे पिछले महीने 15 जनवरी से गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको गाड़ी में फास्टैग लगाना मैंडेटरी है, तो आपने आप भी अपनी गाड़ी में फास्टैग तो लगा ही रखे होंगे। बिल्कुल, तो ये जब गाड़ी आपकी यहाँ से वेस्ट नॉर्थ दिल्ली से मुंबई के लिए निकलती है, भिवंडी के लिए निकलती है, अहमदाबाद के लिए निकलती है, जितने भी टोल प्लाजा है, क्या वो टोल प्लाजा से ही वो पैसा डिडक्ट होता है या फिर मैनुअल भी कहीं देना होता है? नहीं नहीं, मैनुअल नहीं देना होता, सारी जगह पे टोल प्लाजा से ही डिडक्ट होता है, मैनुअल कहीं नहीं है, सारी जगह टोल प्लाजा। अगर आपने फास्टैग लगा रखा, उन्होंने एक लाइन बना रखी है, अगर बाई चांस, ये तो गवर्नमेंट ने, मैं वो करूँगा कि गवर्नमेंट ने एक अभी ऑप्शन छोड़ रखा है, ये अच्छा है कि किसी ने बाई चांस अगर नहीं लगवा पाया है तो एक कैश की लाइन भी बना रखी है वहाँ पर। वहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि वहाँ लाइन्स लंबी लगी होती है, तो उसमें टाइम लग जाता है, पर यह है कि अगर आपने फास्टैग नहीं लगा रखा तो आप कैश पे करके जा सकते हैं, पर अगर आप टैग लगा के गए हैं और आप टैग लगा के गए और टैग में पैसे नहीं हैं आपके, उसमें वैलेट में पैसे नहीं हैं, तब फास्टैग की लाइन में अगर आप खड़े हैं तो आप पे डबल चार्ज होएगा उस टोल पे, जो भी अगर टोल 200 रुपये का है तो वो 400 रुपये लेगा, अगर आपका डायरेक्ट आपका ऑनलाइन नहीं कट रहा, आपके उसमें पैसे नहीं है वैलेट में, ऑनलाइन नहीं कटा, तो फिर आपसे डबल फी लेगा वो वहाँ पे टोल की। ओके, मतलब आपका यहाँ से जो अभी जो जा रहा है वो सारा का सारा आपका फास्टैग टोल फास्टैग से ही कट रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स है जिनका कि कहना है कि गाड़ी जाती है बट वहाँ का टोल काम नहीं करता, मतलब फास्टैग काम नहीं करता है उनका सेंसर। अभी तक हमने तो नहीं फेस करा है, पता नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो इधर पंजाब से थे, जम्मू से थे, इसके साथ साथ ईस्ट साइड से भी थे, बिहार से भी थे, कि बिहार के भी कुछ टोल प्लाजा है जहाँ पे कि रंगदारी एक तरह से चलता है, अभी भी चलता है। मेरी गाड़ी कोलकाता गई है, वहाँ पे सिर्फ एक है। अब मैं एक चीज़ और यहाँ रखना चाहूँगा जो प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ, कि अगर आपने अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, सपोज दैट मैंने अपनी गाड़ी UP से निकाली, मैंने गाजियाबाद का रजिस्ट्रेशन कराया है, तो अगर गाजियाबाद का RTO पास कर रहा है मेरी गाड़ी का 10 फीट या 10.25 फीट, जो भी मेरी गाड़ी की हाइट पास कर रहा है, जो वहाँ पे हमारा फिटनेस होती है वो वहाँ पास हो गई, फिर वो बिहार में जाके उसका चालान क्यों काटते हैं? बिहार में 11.5-10 फीट से ऊपर वो कहते हैं कि नहीं चालान कटेगा, क्योंकि यहाँ, जबकि ये तो अथॉरिटी जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो एक होनी चाहिए, अगर यहाँ पास है तो सपोज दैट पूरी इंडिया में पास, स्टेट लेवल पर चाहिए, स्टेट लेवल पर पास का क्या मतलब, हम आपको टैक्स ऑल ओवर इंडिया का दे रहे हैं, परमिट जो करते हैं वो ऑल ओवर इंडिया की आप मेरे से फीस लेते हैं, तो फिर जो रूल एंड रेगुलेशन यहाँ है वो फिर बिहार में क्यों नहीं? अगर यहाँ 10.25 फीट मेरी हाइट पास करी है RTO ने, अगर UP गवर्नमेंट पास कर रही है तो बिहार गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती है? वहाँ ऐसा क्या दिक्कत है जो वहाँ 2,000 रुपये का चालान कटता है? मतलब कि कहने का मतलब कि आप जितने बार गाड़ी उधर भेजते हो उतने बार चालान कटेगा। हाँ, वो चालान कटवाना पड़ेगा, अगर वो आपने चालान नहीं कटवाया और उन्होंने बिना चालान के आपको देख लिया, वो फी भर के आप नहीं गए हैं, तो आपका 30,000 रुपीज का फाइन है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब वो गवर्नमेंट का, ऐसा नहीं है कि वो किसी मतलब अनऑथराइज तरीके से ले रहे हो,
अच्छा, वो अथराइज तरीके, तो फिर वो गवर्नमेंट क्यों नहीं इन चीज़ों को वो करती है कि अगर यूपी में वो चीज़ पॉसिबल है तो बिहार में ऐसा क्या है? बिहार में कहीं मतलब ऊपर स्पेस इतना कम है जहाँ से गाड़ी नहीं निकल सकती है, इसलिए वो लेते हैं। ऐसा तो है नहीं, वो तो सारी अगर रोड नेशनल हाईवे बनाए गए तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं ऊपर जाल बिछा दिया हो कि यहाँ बिहार में 10 फीट से ऊपर गाड़ी निकली नहीं पाएगी या निकलेगी तो उसका टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों आप भी जरा ध्यान रखिएगा ये कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हाइट्स है, और अगर उस हाइट्स को मेजर नहीं करता है वहाँ का गवर्नमेंट तो आपको वहाँ पे चलान देना पड़ेगा। मैं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं मैं उनसे भी ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आपकी मीटिंग्स होती रहती है जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं मिस्टर गडकरी जी से, तो आप इन चीज़ों की के लिए बात कीजिए उनसे कि ये जो हर स्टेट्स में जो अलग अलग रेगुलेशंस हैं ट्रक को लेकर के उसको ठीक किया जाए ताकि हमेशा अलग अलग पेनाल्टी हर स्टेट्स में नहीं देना पड़े। तो दोस्तों आज आप देख रहे थे हमारे साथ मिस्टर आशीष शर्मा को, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये कन्वर्सेशन ये आपको पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, साथ साथ में आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपने नए वीडियो फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।